कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखा आपने, मैं नहाने के बाद थोड़ा सा मोजा वोजा पहन रही थी क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है, ठंडी इतनी नहीं है, बस स्वेटर वाला काम नहीं है। तो मैंने मोजे डाल दिया, थोड़ा सा ठंड कम लगेगी, चाहे फिर स्वेटर पहने चाहे ना पहने। तो मैं क्या बोलने वाली थी, भूल जाती हूँ। तो मैंने बनाई थी आज कटहल की सब्ज़ी, तो आगे के आप वीडियो देखिएगा। और मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ, तो टाइम हो रहा है 12:30। तो आप सब भी खा लीजिए हमारे साथ। और हम ये भी दिखाऊंगी कि मेरी सासू माँ ने मुझे क्या क्या दिया। उस दिन खिचड़ी पे गई थी तो उन्होंने काफ़ी कुछ सामान दिया है और वो देती रहती हैं, तो मैं दिखाऊँगी, शेयर करूँगी और देखिएगा। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ। और आदि नहा रहा है भी, मीठी नहा चुकी है। तो मैं कटहल ले लेती हूँ सब्जी। आप भी देख लीजिए मैं क्या खाने जा रही हूँ। तो ये लीजिए, आप सब भी खा लीजिए और मैं तो खा जाऊंगी। सबकी मम्मियाँ देती हैं सामान और मुझे मेरी सासू मम्मी सामान देती हैं, तो देखिए मुझे मेरी सासू मम्मी क्या क्या देती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीछे जाऊँ फिर लेके जाऊँ, है ना, तो बच्चे टीवी देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये देखिए बिल्कुल ताज़ी फ्रेश सब्जी जो कि मुझे वो खुद मतलब कि खेत से तोड़ के भेजती है, तो ऐसा कौन करेगा, है ना। तो मेरी सासू माँ ऐसे ही करती है, वो हमेशा बथुआ है या सरसों साग है तो वो पहनने घूमे आती हैं खेत पर, काम चल रहा है तो उसी तरह वो अपने खेतों से तोड़ के बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ दे जाती हैं। तो ये देखिए, तो ये उन्होंने भेजा है शाम, मतलब शाम को उनके पापा लाए थे, थोड़ा सा मुरझा गई है तो भी उन्होंने गड्ढी भी नहीं खोली है। तो अच्छा मैं खोल के दिखा देती हूँ, देखिए ऐसी सब्जी है, मतलब कि यहाँ मिलना मुश्किल है। तो ये देखिए, है ना, ये देखिए इतना कौन करेगा, और इतनी सब्जी अच्छी कहाँ मिलेगी। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में और भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से, हाँ ये देखो मैं थोड़ी, ये देखिए। तो कभी इसकी सब्जी बनाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी। तो ये इसी तरह बनाती रहती हैं, मुझे भेज देती हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल मतलब कि बनानी नहीं पड़ती हैं, ये सब चीज़ें मेरी सासू मम्मी बना बना के मुझे भेजा करती हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती फालतू भी सामान बनाऊँ या फिर कुछ भी करूँ। और ये देखिए तिल, बिल्कुल गांव का ओरिजिनल तिल है, ये भी थोड़ा सा आपको गंदा गंदा सा लगेगा पर गांव का देखो ओरिजिनल ऐसे ही होता है थोड़ा सा ना, ये मार्केट में आपको ऐसे नहीं दिखेगा, जो आता है बिल्कुल क्लीन सा सफ़ेद सा ना पॉलिश वाला आता है, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगा। तो अभी तुलवा आ रहे हैं तो फिर देखते हैं इसका कुछ बनाएंगे। तो ये दिया था और ये देखिए मतलब खटाई है, तो खटाई अचार मैं वहाँ कम ही यूज करती हूँ, मतलब खाती कम हूँ। तो ये देखिए खटाई टाइप भी बनाया करती हैं, फ्री टाइम में सब ये सब चीज़ें बनाती हैं तो मुझे भेजा करती हैं टाइम टाइम पर। और तो ये देखिए अचार, तो ये मेरा ही मतलब पेड़ का अचार है, आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए मतलब इसमें आपको गुठली जो होती है ना वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसमें मतलब प्लेन है, मतलब कि बच्चा वाला मतलब, है ना। तो ये अचार बच्चों को मेरे काफ़ी पसंद है, मैं अचार अचार भी नहीं बनाती हूँ, वही बना बना के मतलब फुल डिब्बा मतलब 5 केजी या 10 केजी जो भी बना लेती हैं। तो मेरा अचार जब भी ख़त्म हो जाता है मैं इनके पापा ले आते और वो उसी तरह से देती रहती हैं।
तो मुझे इन सब कामों से बिल्कुल फ्री हूँ, झंझट मुझे नहीं पड़ती है। तो गाड़ी इतनी तेज गई है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो देखिए हमारी सासू माँ इसी तरह से वो देती रहती है, मतलब कि अभी तो थोड़ा कम देने लगी है, मतलब कि अब उनकी एज भी हो चुकी है, अब उनसे इतना किया भी नहीं जाता है। नहीं पहले मेरे बच्चे जब छोटे थे या मैं शादी करके आई थी तो ये जाते थे तो मतलब दही बड़े मतलब नहीं फ्लोरी वाली बेसन वाली नहीं होती दही वही कि मतलब बांध बांध के मतलब तीज त्यौहार जाते थे तो ये काफ़ी सामान ले आते थे तो मुझे भेज देती थी। तो मतलब देखिए एक सास अपनी बहू के लिए कितना करती है, वो फ़िलहाल बहुत करती है, मुझे बहुत मतलब मानती भी है, ऐसा नहीं है। और मानना ना मानना तो बात की बात है, देखिए तार अच्छाई बुराई सब में होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हैं हमारे में बुराई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजानी पड़ती है। कुछ उसमें अच्छाई है तो बुराई है, कुछ हमारे में अच्छाई है तो बुराई है। तो मुझे मतलब कि मानती हैं, सम्मान दिया करती हैं। और इसी तरह हम लोग भी तीज त्यौहार चले जाते हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है, उनका घर भर जाता है। तो उन्होंने उनके पापा से बोल रखा था कि खिचड़ी में मतलब कि लेते आना, अब बहू समझे चाहे बेटी। तो इनके पापा ने तो मुझे नहीं ऐसा कुछ बताया था, पर वो हमसे बोल रहे थे कि मैंने उनसे बोल रखा था। ये ना कोई बहुत सी बातें मुझे बताती ही नहीं, तो बस मेरी सासू मम्मी मुझे बहुत सारी काफ़ी बातें बताया करती हैं, मतलब कि तो बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग चलती रहनी चाहिए सास बहू में, है ना। तो बस यही बातें शेयर करनी चाहिए और सबकी सासू मम्मी ऐसे मिले और सब ऐसे रहें अच्छी अच्छी, है ना। तो मैंने दिखा दिया, अब मैं क्या दिखाऊँ, बस अब चलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है ना और वीडियो अपलोडिंग करनी है। तो चले चलते हैं, टाटा बाय बाय। और मेरी क्या बोलने जा रही थी, हाँ कटहल की सब्ज़ी ज़रूर देखिएगा फुल रेसिपी, और मैंने वैसे काफ़ी अच्छी बनाई है और चटपटी कड़ूदार, तो देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके मेरी रेसिपी कैसे लगी। और मेरी सासू मम्मी के सामान भी देखिएगा और बताइए क्या क्या अच्छा लगा, है ना, बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कटहल को अच्छे से वॉश करके मतलब कि पीसेस में काट लिया था, तो इनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे दो बड़े टमाटर हैं, प्याज है ये देखिए, और मैंने खड़े मसाले लिए हुआ है मतलब कि तेज़पत्ता, लाल मिर्च, बड़ी इलायची और काली मिर्च, जीरा, और थोड़ा सा मैंने बेसन भी लिया हुआ है। तो बेसन ऑप्शनल है, आप डालें वरना स्किप कर दें। और यहाँ पे मैंने थोड़े से दो आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और मैंने ऑयल कड़वा तेल का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने हिसाब से अपनी मनपसंद ऑयल यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से मतलब कि बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं और इनको थोड़ा सा मैं फ्राई कर रही हूँ, मतलब कि आधा पक गया जब तक कि। तो मैं आलू इसलिए डाल दे रही हूँ मतलब कि थोड़ा सा चेंजिंग भी सब्ज़ी में आ जाएगी, और बच्चे जैसे नहीं खाते हैं कटहल तो बच्चे आलू लोग खा लेंगे और कटहल हम लोग खा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आलूओं को बढ़िया से मतलब गोल्डन ब्राउन मतलब कि आधा पक जाने तक मैंने भून लिया है बढ़िया से। तो इनको इस तरह से मैं निकाल लूँगी और इसी तेल में फिर मैं कटहल को भी डाल देती हूँ, और कटहल को भी मैं अच्छी तरह से मतलब कि भून लूँगी। और कटहल आप देखिए भून लीजिए वरना स्किप कर सकते हो, मत भूजिए, डायरेक्ट भी ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आलू कटहल दोनों को बढ़िया से फ्राई करके बनाऊँगी जिससे थोड़ा सब्ज़ी का टेस्ट मतलब कि अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने कटहल को डाल दिया है, तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर मतलब कि अच्छे से भून लेते हैं। तो भूनने से सब्ज़ी काफ़ी मतलब कि अच्छी बनती है। तो ये देखिए हमारा कटहल यहाँ पे भून चुका है, तो अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ, और कटहल देखिए एक तरह से नॉन वेज भी कही जा सकती है और ये ऐसे भी है। तो यहाँ पे देखिए सेम ऑयल में ही मैंने तेज़पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, तो ये सब मैंने खड़े मसाले डाल दिया है। तो इनको अच्छे से चटक जाने दूंगी और साथ ही साथ एक पिंच हींग डाल दूंगी। तो मेरे हस्बैंड जब भी कटहल लाते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि आज नॉन वेज जैसा बनाते हैं, वो खाते नहीं हैं तो उनको फ्लेवर नॉन वेज का चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कटहल को थोड़ा सा अच्छा स्पाइसी सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया है, तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया है।
तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। आप चाहे तो इसको बारीक काट के भी ऐसे डाल सकती हैं। तो मुझे ग्रेवीदार सब्ज़ी थोड़ी बनानी है तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, तो बढ़िया से मैं इसको भून लेती हूँ। और साथ ही साथ मैं टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, लहसुन और एक लाल मिर्च मतलब सूखा वाला, तो ये देखिए मैंने इसका पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा सब्ज़ी चाहिए तो लाल मिर्च चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मसाला बढ़िया से भुन चुका, तो आप देख सकते हो कि मसाले ने बढ़िया से अपना ऑयल छोड़ दिया है। तो मतलब कि प्याज हमारा बढ़िया से भुन चुका है। तो अब मैं डाल दूँगी अपने मसाले। तो मसाले में मतलब कि हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो मसाले आप अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो मैंने हल्दी डाल दिया है, और भी मसाले डालूंगी जैसे कि अशोक का पिसा मसाला, तो ये देखिए मैंने ये भी डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। तो जैसे जो जैसा मसाला यूज़ करना चाहे वो डाल सकता है। तो ये देखिए मैंने पिसा हुआ अशोक का सब्ज़ी मसाला ऐड कर दिया है, साथ ही साथ किंग मसाला भी ऐड करूँगी जो मैं हमेशा अपनी सब्ज़ी में डालती हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये डाल दिया है पिसा हुआ जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर डाल देने से सब्ज़ी का फ्लेवर और भी बढ़िया से आ जाता है। तो अब ये देखिए मैं मसालों को बढ़िया से भून लूँगी, और साथ ही साथ मैंने एक चम्मच मतलब कि हाफ चम्मच ही मान लीजिए मैंने बेसन को डाल दिया है। तो इसको मैं मसाले के साथ ही साथ बढ़िया से भून लूँगी। तो बेसन भी आप स्किप कर सकते हो, अगर खाना पसंद हो तो डालिए वरना स्किप कर दे। तो ये देखिए मसाला हमारा बढ़िया से भून चुका है और तेल भी साइड में छोड़ने लगा है। तो अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपनी टमाटर प्यूरी, तो इसको भी मैं बढ़िया से भूनूंगी 10-5 सेकंड, जो भी टाइम लगे मीडियम फ्लेम में। जब तक कि देखिए मसाला हमारा बढ़िया से नहीं भुन जाता तब तक कि हमारी सब्ज़ी में फिर स्वाद कच्चापन जैसा आता है। तो मेन मकसद होता है कि हमारे मसाले बढ़िया से भुने हों तभी हमारी सब्ज़ी भी बढ़िया से भुनती है। तो ये देखिए जो उसका थोड़ा सा पानी था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब ये मसाले बढ़िया से हमारे मिक्स हो जाएंगे और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी, तो मैं इस तरह से ढक देती हूँ और 1-2 सेकेंड या 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाला भूनूंगी। और साथ ही साथ मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, तो नमक मैंने बाद में ऐड किया है, नमक चाहे आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए मैं मसालों को इस तरह से रख देती हूँ और इसको पकने देती हूँ 1-2 सेकेंड के लिए, जब तक कि हमारा मसाला बढ़िया से पक नहीं जाता है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा मसाला कितनी बढ़िया से पक चुका है। तो अभी मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि मसाला नहीं पक जाता। तो अब मैं साथ ही साथ ये मेरे थोड़े से कटे हुए प्याज थे जो बचे हुए रखे थे तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। तो प्याज आप चाहे डालें वरना इसको भी स्किप कर सकते हैं, ऊपर प्याज मैंने डाल दिया है, इससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा खाने में, है ना। कटहल प्याजा सब्जी बन के तैयार हो जाएगी, कटहल था प्याजा, है ना। तो ये देखिए मैंने भी इसको भी ढक के मैं इसी तरह से पका लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे ये सब्ज़ी भी बढ़िया मसाला से पक चुकी है। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है सब्ज़ी में, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में सब चीज़ में पकाते हुए चल रही हूँ, ये नहीं कि साथ ही मैं डाल दूँ। तो मैंने इस पहले प्याज को पका लिया है हल्का सा, क्योंकि कच्चा था और सब तो मतलब कि फ्राई हुए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी अपनी फ्राई हुई सब्ज़ी, आलू और कटहल, और मैं इनको भी अच्छे से अभी भूनूंगी 1-2 सेकेंड, और क्योंकि मसाले में बढ़िया से लिपट जाए या भुन जाए तब तक मैं इनको पकाऊंगी अभी। तो 1-2 सेकेंड इसी तरह से मैं चला के ढक दूंगी और ढक के 1-2 सेकेंड में पकाऊंगी जब तक कि ये भी थोड़ा सा फ्लेवर नहीं आ जाता। तो ये देखिए मैंने ढक दिया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले में सब्ज़ी हमारी कितने अच्छे से मिक्स हो चुकी है, मतलब कि भून चुकी है। तो इसको मीडियम फ्लेम में हम बढ़िया से भून रहे हैं, तो नॉन स्टिक है तो जलने का कोई मतलब कि वो नहीं रहता है कि हमारी सब्ज़ी मसाला जल जाएगा। जैसे कि लोहे की कढ़ाई होती है तो फटाफट मसाला मतलब जलने लगता है, पर फ़ायदेमंद लोहे की मानी जाती है। तो मैं ज़्यादातर नॉन स्टिक ही यूज करती हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है गरम मसाला, तो अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और बढ़िया से मसाला भून लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी आवश्यकता अनुसार पानी। तो देखिए ग्रेवी आपको जितनी रखनी हो तो उतनी ही आप रख सकते हो, तो मैं मीडियम मतलब पानी रखूँगी, ग्रेवीदार सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये सब्ज़ी ऐसी है कि चावल के साथ भी आप अच्छे से खा सकते हो और रोटी के साथ भी। तो यहाँ पे मैंने देखिए पानी ऐड कर दिया है मीडियम, तो मुझे ज़्यादा रसेदार नहीं बनानी हूँ, मुझे लटपटी मतलब ग्रेवीदार बनानी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे प्लेट का जो मसाला सला लग जाता है तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो
तो अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी जब तक ये बढ़िया से मेरी पक नहीं जाती है। तो वैसे कटहल की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, मुझे तो वैसे काफ़ी पसंद है, मैं पहले से भी खाती आ रही हूँ, तो बच्चे नहीं खाते हैं, पता नहीं उनको कब पसंद आएगी। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया सी पक चुकी है, मतलब कि बबल्स आने लगे हैं। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा और ड्राई करूँगी क्योंकि अभी मुझे पतली लग रही है, तो मैं इसे एक दो सेकंड और पकाऊँगी ढक के, जबकि कि मेरे मसालेदार सब्ज़ी बढ़िया से नहीं पक जाती है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बढ़िया सी पक चुकी है, मतलब कि आप देख सकते हो इसमें ना तेल तेल से थोड़ा सा ऊपर आने लगता है बबल्स के साथ, तो समझ लीजिए कि हमारी सब्ज़ी बढ़िया सी पक चुकी है। तो ये देखिए अब मैं साथ ही साथ मैं हरी धनिया डाल दूँगी, गार्निश कर दूँगी। हरी धनिया डाल देने से ना सब्ज़ी का लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो कि हमारी सब्ज़ी का कलर, फ्लेवर, मतलब कि ग्रेवी, हर एक चीज़ परफेक्ट बनी हुई है। तो आप सब भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।